सर्व सुविधा युक्त अमन मैरिज गार्डन, शादी पार्टी और किसी भी आयोजन के लिए संपर्क करें। पता तिली अस्पताल रोड, चैतन्य हॉस्पिटल के पीछे। तो संपर्क करें 9329427603 7879281094। मध्य प्रदेश में आए दिन मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामला दमोह जिले के पथरिया से सामने आया है, जहां बीजेपी नेता के साथ कुछ अज्ञात लोगों ने मारपीट कर दी। पथरिया कृषि उपज मंडी अध्यक्ष और बीजेपी नेता खरगराम पटेल बीती रात दमोह कोतवाली अंतर्गत नीलकमल गार्डन में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए हुए थे। जब वह शादी समारोह से अपने कुछ साथियों के साथ वापस लौट रहे थे, उसी दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने धारदार हथियारों से उन पर हमला बोल दिया, जिससे खरगराम पटेल के मुंह में चोट आने के बाद उन्हें तत्काल ही जिला अस्पताल लाया गया। बीच बचाव में उनके अलावा दो लोगों को हल्की चोटें आई हैं। ज्यादा गहरा घाव नहीं होने के कारण तत्काल ही इलाज देकर उन्हें जिला अस्पताल दमोह में भर्ती कराया गया है, जहां पर डॉक्टर सतत निगरानी कर रहे हैं। इस मामले पर जब कृषि उपज मंडी अध्यक्ष और बीजेपी नेता खरगराम पटेल से घटना का कारण जानना चाहा, तो वह बोलने में असमर्थ नजर आए। वहीं उनके साथ मौजूद प्रत्यक्षदर्शी भी कुछ भी बताने से इनकार करते दिखे। हालांकि किसी पुरानी रंजिश के चलते हमला होना बताया जा रहा है। वहीं आरोपियों के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि मुंह पर कपड़ा बांधे होने के कारण उनकी पहचान नहीं हो सकी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कल रात को दो पक्षों में यहाँ पे विवाद हुआ, उसमें से एक को चोट आई है, सुरेंद्र पटेल नाम है उनका। उसको लेकर के हमारे कोतवाली में तीन व्यक्तियों के विरुद्ध FIR हुई है, गोलू, चंदू ठाकुर और लोकेश के विरुद्ध। उसी के तारतम्य में आज भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री देव नारायण जी द्वारा ज्ञापन दिया गया, जिसकी हम जांच करा रहे हैं वरिष्ठ अधिकारी से, जिसके संबंध में जांच का प्रतिवेदन लिया जाएगा। आए हुए साक्ष्यों के आधार पर जो भी बनेगा वैसी हम कार्रवाई करेंगे। दमोह से शांतनु भारत, सागर टीवी न्यूज़।